फिर से स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीर उद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक है। तो आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जो हीरो होंडा ओल्ड मॉडल बाइक है उस बाइक का मैं आपको मैप दिखाऊँगा, जैसे कि डियोग्राम वायरिंग का। हर कोई वायरिंग में जो होता है CDI, इग्निशन, इंडिकेटर, फ्लाशर और बैकलाइट, रेगुलेटर, चार्जर, आर्मीचर कॉयल, मैग्नेट कॉयल, ये हर कोई वीडियो मैंने बनाया है, आपको मैं बताऊंगा डियोग्राम के माध्यम से और आप लोग आसानी से सीख जाओगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, अगर आप मोटरसाइकिल बाइक का मैकेनिक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आपको दिखाते रहता हूँ। तो दोस्तों आपका किंती बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज वायरिंग का वीडियो है और फुल काम आप लोगों को सिखाना है, फुल चीज़ बताना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बात है जो आप लोगों को मैं इस तरह का डायग्राम दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वायरिंग कहाँ से किस तरह से वर्क करता है। इसीलिए मैंने ये बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरा व्यूअर है। और मैं ये ना चाहता हूँ जो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और आप लोग को पता ना हो, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा किस तरह से कौन सा वायर कहाँ जाता है। तो दोस्तों ये है स्प्लेंडर हीरो होंडा बाइक का ओल्ड मॉडल वायरिंग मैंने बनाया है, पूरा वायरिंग है। इसमें जो मेन चीज़ है उसका ही वायरिंग बनाया हूँ, जैसे कि जो जो फोल्ड होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यह बैटरी, ठीक है, और यह आर्मीचर कॉयल इंजन में लगा रहता है राइट लेफ्ट साइड पर, आर्मीचर कॉयल और पिकअप कॉयल, रेगुलेटर, चार्जर, यहाँ वोल्ट बनाया है, ये CDI कॉयल है, इग्निशन कॉयल है, इग्निशन स्विच, हेडलाइट बॉल, इंडिकेटर बॉल, और इंडिकेटर बॉल ये है, और एक बॉल यहाँ पर है इंडिकेटर, और एक यहाँ है, और ब्रेक लाइट, हैंड ब्रेक स्विच, पाँव का ब्रेक का स्विच, हर कोई चीज़ यहाँ मैंने डाल लिया है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपसे बातें करूँगा जो आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने ग्राउंड बनाया है, जैसे कि बाइक में चैसिस होती है उसी तरह इसको भी मैंने चैसिस बनाया है, एक ग्राउंड है। काहे कि हर कोई CDI पे ग्राउंड लगता है, इग्निशन पे ग्राउंड लगता है, तो रेगुलेटर पे ग्राउंड लगता है, ये आर्मीचर कॉयल पे ग्राउंड लगता है। तो ग्राउंड मैं कहाँ से आप लोगों को बताने के लिए दूँ, तो सोचा इसमें ग्राउंड बना दूँ, तो मैंने ये ग्राउंड बना लिया है। अब मैं वोल्ट भी एक बनाया है दोस्तों, ये है वोल्ट, ठीक है, क्योंकि वोल्ट भी ज़रूरत है हर कोई चीज़ पर, जैसे ब्रेक स्विच हो, फ्लैशर हो, और काफ़ी सारे जगह पर वोल्ट होता है। तो वोल्ट मैं कहाँ से दूँ, इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ वोल्ट आता है, तो मैं यहाँ से हर कोई वोल्ट ले लूँगा। तो चलो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आर्मीचर कॉयल से मैं जाऊँगा एक एक करके, ताकि आप लोगों का तकलीफ दूर हो जाएगा और आप लोग आसानी से काम कर सकेंगे। तो दोस्तों यह है आर्मीचर कॉयल। आर्मीचर कॉयल स्प्लेंडर बाइक पे रहता है, एक स्टार्टिंग कॉयल यहाँ, ठीक है, एक स्टार्टिंग कॉयल रहता है सी DC वोल्ट होता है इसमें, और तीन आर्मीचर कॉयल होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो तीनों का चीज़ मैंने पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ जो एक्स्ट्रा कॉयल रहता है दोस्तों आर्मीचर कॉयल में, स्टार्टिंग कॉयल, और तीन कॉयल जो रहता है आर्मीचर कॉयल, हेडलाइट कॉयल और एक बैटरी चार्ज को देता है। तो तीनों मिला के दो भाग होता है, दो भाग होने के बाद चल जाता है रेगुलेटर चार्जर पे। तो मैं आपको कलरिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कलरिंग मिला के। ये जो आर्मीचर कॉयल है इसमें आएगा आपका 5 वायर, ठीक है, 5 वायर आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक पीला कलर का वायर जो होता है वो चल जाता है डायरेक्ट रेगुलेटर चार्जर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाइट कलर का तार रहता है, वो भी चल जाता है, यहाँ भी वाइट कलर का रहता है। मेरे पास कलर पेन नहीं है वाइट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वाइट कलर का तार और पीला कलर का तार इन ढुकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सबूज कलर का वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ सबूज कलर का वायर है, ये भी ढुकता है इन। तो तीनों तार है इन दोस्तों, ठीक है, और एक जो रेड यहाँ निकलता है ये आउट है। तो तीनों वायर ढुक गया इन और आउट निकला एक। तो
तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इस बाइक का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एक ही निकलेगा, क्योंकि CDI पर ये बैटरी से भोल नहीं जाता, ये स्टार्टिंग कॉइल अलग से जाता है। तो पहले मैं आप लोग रेगुलेटर के बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इसमें जो पीला कलर का वायर और वाइट कलर का वायर दो वोल्ट जाता है अलग अलग से, एक वाइट में भी वोल्ट जाता है, एक पीला में भी वोल्ट जाता है, इन ढूंढता है। ये जो वाइट कलर का वायर है वो बैटरी चार्ज के लिए है, और जो पीला कलर का वायर है वो हेडलाइट के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो रेड कलर का वायर है वो चल जाता है बैटरी, जो फ्यूज कंडक्टर है वहाँ चल जाता है। जैसे कि यहाँ ये बैटरी है मेरा, और ये मेरा पॉजिटिव रेड कलर का ये फ्यूज कंडक्टर है, यहाँ के लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रेड कलर का वायर जो है यहाँ लग गया, ठीक है। तो रेड कलर का वायर चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको पीला कलर का वायर बताता हूँ, पीला कलर का वायर भी ढूंढता है और भी निकलता है। तो ये चला जाता है डायरेक्ट यहाँ से, चल जाता है हेडलाइट स्विच पर, यह हेडलाइट स्विच पर जाता है। मैं हेडलाइट के बारे में बाद में बताता हूँ, मैं यहाँ से हेडलाइट तक आपको बताया, बाद में फिर मैं बताता हूँ। अब उसके बाद इस पल्सर कॉइल के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता है, जैसे कि सनसर कॉइल और ये पिकअप कॉइल हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। पिकअप कॉइल में दो वायर रहता है दोस्तों, एक ग्राउंड और एक मेन। तो इसमें वोल्ट नहीं आता है, इसमें आपका मैग्नेट एक पाक घूमने के बाद, इसमें यहाँ एक पोल है देखो, ये जब भी घूमने के बाद जब यहाँ आता है तो एक ग्राउंड लेता है, छोड़ता हुआ देता है। इस वजह से इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में फायरिंग होता है। तो ये ग्राउंड लेता है और छोड़ता है संधर के माध्यम से। तो ये ग्राउंड मैंने आपको दे दिया, एक बताया, एक वायर से ग्राउंड है और एक वायर चल जाएगा डायरेक्ट। ये आपका इस कलर का है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का कुछ ब्लू कलर रहेगा, ब्लू कलर, और ब्लू कलर डायरेक्ट चल जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सेंसर कॉइल का वायर है, यहाँ से डायरेक्ट ये चला गया पिकअप कॉइल पर। तो दोस्तों देखो, यहाँ ब्लू कलर मैंने कॉइल प्लेट से निकला, यहाँ से जाने तक ये ब्लू है, और इस मार्किंग के साथ यहाँ से यहाँ तक CDI में ब्लू कलर घुस गया, ये पिकअप कॉइल है, ठीक है। और रेड में एक ब्लैक होता है, ये भी जाता है कॉइल प्लेट से, मैं आपको बताता हूँ, ये भी CDI में जाके घुस जाएगा। ये रेड में ब्लैक है, ये रेड में ब्लैक इन ढूँगा, और मैं आपको ब्लू कलर दिखा, ये भी इन में ढूँगा और आउट निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। तो CDI में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ CDI में क्या क्या ज़रूरत होता है। दोस्तों एक ग्राउंड ज़रूरत होता है, एक इग्निशन कॉइल का जो आर्मेचर कॉइल से जो यहाँ मैग्नेट में एक कॉइल रहता है, इसको स्टार्टिंग कॉइल बोलता है, इसका वोल्ट ज़रूरत है यहाँ जाने तक, और एक ग्राउंड ज़रूरत है। उसके बाद अपने आप इग्निशन कॉइल को वोल्ट दे देगा और फायरिंग ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रेड में ब्लैक जो है ये इन बैठा, ठीक है। और इस कॉइल को आप देखिए, इस वायर को, यह आपका वाइट पे ब्लैक है, वाइट पे ब्लैक ये आउट निकलता है, निकलने के बाद ये चल जाता है डायरेक्ट स्टी कॉइल पर, यहाँ से डायरेक्ट स्टी कॉइल पर जाता है, देखो स्टी कॉइल पर चला गया। अब बाइक को बंद किस तरह से करता है, देखो ये स्टी कॉइल से वायर जाके बंद करता है। वाइट पे जो ब्लैक है, वाइट पे ब्लैक मेरे पास कलरिंग नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ सैंपल के तौर से। चलो थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये डायग्राम छोटा है। ये चल जाएगा इग्निशन स्विच पर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इग्निशन स्विच ये चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये वायर जो ब्लैक में वाइट है, ब्लैक में वाइट, ये इग्निशन स्विच पे जाएगा। इग्निशन स्विच पे चार वायर है, एक इन पैठता है जैसे कि बैटरी से आता है रेड कलर में, और ये जो सबुज कलर का है ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये बैटरी को पुश करता है दोनों वायर, और दो वायर का काम है बाइक को बंद करना। तो एक सबुज कलर का वायर है वो बंद करता है, और वाइट पे जो ब्लैक है वो इग्निशन पे भोल जाता है, उसको शॉर्ट करने के बाद बाइक का लाइन छोड़ देता है बंद करने के बाद, और बाइक बंद हो जाता है।
तो दोस्तों CDI के बारे में आपको जानकारी हो गया। इग्निशन किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। इग्निशन बोल्ट देता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लैक पे पीला कलर है, ब्लैक पे पीला, ठीक है, ब्लैक पे पीला यहाँ पर भी है, देखो ब्लैक पे पीला और ब्लैक पे पीला। तो ये बोल्ट जल जाता है स्टार्ट मारने के बाद, किक मारने के बाद यहाँ बोल्ट आता है, आने के बाद चल जाता है इग्निशन कॉइल पर। और यहाँ भी बोल्ट तो मुझे मिल गया, अब ग्राउंड देना है दोस्तों। ग्राउंड कहाँ से लूँ, तो ये देखो सबुज कलर का वायर जो है ये चल जाता है, ये मैंने ग्राउंड बनाया है, देखो यहाँ से ग्राउंड ले लिया, बस ये पूरा बोल्ट मिल गया। और लेने के बाद स्पार्क प्लग में बोल्ट देता है। तो CDI हो गया, इग्निशन हो गया, अब रेगुलेटर हो गया। अब आते हैं दोस्तों हेडलाइट के बारे में, तब जाके आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको बताया हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको बताया करके दिखाऊंगा। ये जो पीला कलर का वायर है, ठीक है, पीला कलर का वायर यहाँ से बोल्ट ले लेता है, लेने के बाद चल जाता है डायरेक्ट यहाँ देखिए हेडलाइट स्विच पर। हेडलाइट स्विच जब ऑन हम करते हैं, करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ये चल जाता है डिपार स्विच पर। डिपार स्विच क्या करता है, हाई लो को देता है। लेकिन हेडलाइट स्विच जब ऑन हम करते हैं तो करने के बाद यहाँ दो भाग हो जाता है, एक बैकलाइट को भी देता है, ठीक है, एक हेडलाइट डिपार स्विच को देता है और एक बैकलाइट स्विच को देता है जो यहाँ बैकलाइट है। तो मैंने उसे यहाँ भी आपको कनेक्शन करके लगा दिया, यहाँ से डायरेक्ट चल जाएगा बैकलाइट पर। बैकलाइट पर दो पॉइंट रहता है, एक हेडलाइट जलता है, एक ब्रेक मारने से जलता है। तो मैंने आपको बताया हेडलाइट से बैकलाइट जलता है और हेडलाइट स्विच जलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ डिपार कैसे होता है, डिपार अपर डिपार कैसे चलता है। तो जब मैं यहाँ बोल्ट ले लिया यहाँ से पीला कलर पे, जब मैं स्विच को पुश करूँगा, ऑन करूँगा, तो ये अपने आप चल जाएगा इस डिपार स्विच पर। यहाँ तीन पोल होता है या दो पोल होता है, तो जब हम पहले इन पोल में बोल्ट ढुकाएंगे और जब हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक एक लो पर बोल्ट चल जाएगा, एक हेडलाइट जलेगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पावर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन काम करना है मुझे हर हालत में और आप लोगों को बताना है। यहाँ पावर जा चुकी है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ इन पैठा और ऑटोमेटिक जब हम डिपार स्विच को ऑन करेंगे तो एक यहाँ दे देगा, ये वाइट कलर का वायर को दे देगा, ठीक है, वाइट कलर का वायर जो है लो है, ठीक है, और जब हम हाई करेंगे तो यहाँ चल जाएगा ग्रीन कलर पर। ग्रीन कलर का हाई वोल्ट है, हाई बम है, हाई लो। और ये सबूच है, ये ग्राउंड है, मैंने आपको दिखाया ये ग्राउंड है, ग्राउंड काफ़ी जगह पर ले कर रखा है। तो हेडलाइट इसी तरह से वर्क करता है, और इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है मैं ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है मेरा फ्लाशर, ठीक है, फ्लाशर वोल्ट कहाँ से लेता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्लाशर से वोल्ट आता है इग्निशन ऑन करने के बाद, मैंने यहाँ वोल्ट बनाया है ऑटोमेटिक ब्लैक कलर का जो वायर होता है हीरो होंडा का, हर कोई जो ब्लैक कलर का वायर जो होता है हीरो होंडा का, वो हीरो का हो या होंडा का हो, वो ब्लैक ही आता है। हीरो होंडा दोनों ही कंपनी में ब्लैक में वोल्ट देता है दोस्तों, मैं ये आपको कन्फर्म बोल देता हूँ। तो ये मैंने वोल्ट ले लिया है यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से डायरेक्ट बोल्ट ले चुकी हूँ, देखो यहाँ से बोल्ट ले लिया। अब यहाँ बोल्ट आया फ्लाशर में, आने के बाद फ्लाशर से दो पोल होता है, एक पोल यहाँ और एक पोल चल जाता है, ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट स्विच है। तो जब भी हम कोई लेफ्ट में बोल्ट देंगे तो अपने आप लेफ्ट साइड का यहाँ चल जाएगा, देखो इस तरह से मैंने एक पोल दो पोल तीन पोल बना के रखा है, ये इन बैठता है और आउट निकलता है, लेफ़्ट साइड राइट साइड। तो हीरो होंडा का जो कलर है मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑरेंज कलर का जो होती है वायर, ये लेफ्ट साइड में होता है और थोड़ा सबूत जैसा लग रहा है वो राइट साइड पे होता है। तो लेफ्ट साइड करने से ये इंडिकेटर जल जाएगा। तो मैं इंडिकेटर का वोल्ट मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट साइड करने से क्या होता है, ये साइड का एक जल गया और यहाँ से मैंने वोल्ट लिया, देखो पीछे का भी मैं आपको बताया, पीछे का भी वोल्ट चला गया। अब जब मैं राइट करेंगे तो राइट करने के बाद यहाँ से चल जाता है डायरेक्ट इस बल्ब पर, जाने के बाद पीछे से यहाँ से इस तरह से इसे भी ले लिया। तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर इसी तरह से चलता है। अब दोस्तों ब्रेक लाइट किस तरह से चलता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरा हैंड ब्रेक स्विच है और पाँव ब्रेक का स्विच है, तो इस दोनों ब्रेक को मुझे काम करना है। तो वोल्ट मैं कहाँ से लूँ, इग्निशन ऑन करने का बाद ऑटोमेटिक यहाँ वोल्ट आ जाएगा।
ठीक है। बोल्ट आने के बाद यहाँ दो वायर होता है हर कोई स्विच में, हैंड ब्रेक हो या पाँव ब्रेक हो। तो मैंने एक बोल्ट दे दिया यहाँ यहाँ से लेके, और जब हम इस स्विच को पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बोल्ट आ जाएगा, और इस स्विच को भी जब हम ब्रेक दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इसमें बोल्ट आ जाएगा। आने के बाद दोनों वायर को शॉर्ट करेंगे, दोनों स्विच को एक ही तार होता है, जैसे कि ब्लैक पे बोल्ट आता है और सबूज पे जो पीला होता है वो निकलता है इन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दोनों इन है आउट है, ये दोनों आउट और दोनों इन है ये। तो दोनों आउट को मैंने एक जगह कर दिया, करने के बाद एक बैकलाइट जो बल्ब होता है डबल पॉइंट का, एक पॉइंट में यहाँ लग जाता है। और ग्राउंड मैंने तो बताया हर कोई बॉडी होता है, जैसे कि इंडिकेटर बैकलाइट एक ही बॉडी होता है, बॉडी ये बताया। तो दोस्तों इसी तरह से डायग्राम का काम करता है। दोस्तों अगर इस डायग्राम को आपको पाना चाहता है तो हमारा इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको डायग्राम का छवि मिल जाएगा, आसानी से आप मेरा मैप को देख के आप काम कर सकते हो। और इसी तरह अगर वीडियो पाना चाहते हो तो हमें कॉमेंट कीजिए, हम ज़रूर बनाएंगे। आज बनाया स्प्लेंडर बाइक का, कल बनाएंगे दूसरा बाइक का, परसों दूसरा बाइक का, जिसका भी आप बोल सकते हो डायग्राम बनाइए, हम बनाएंगे आप लोग के लिए, मेहनत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु के साथ।